गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यूंग विद नेक्स्ट टॉपिक जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल जो न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मेंशन होगा तो हम टोटल कैपिटल फॉर्म की निकाल सकते हैं जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिवर्स से तो हमें फॉर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी और उस फॉर्म की टोटल कैपिटल को जब हम ए और बी की सेपरेट सेपरेट जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म में वो मिल जाएगी फिर हम उसको कंपेयर करेंगे उस न्यू कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल से जितनी उनकी बिजनेस में एग्जिस्ट करती है और वो अमाउंट कौन सा सभी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस में है तो उसे वापस दे दी जाएगी जो एक्स्ट्रा एक्सेस में है कैपिटल और अगर किसी की डेफिशिएट में है तो वो उतनी कैपिटल फॉर्म में लेके आएगा तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं The following is the balance sheet of A, B and C sharing profit and losses in proportion of six is to five is to three respectively. Creditors, bills payable, journal reserve, capital accounts, A B C K, Cash, debtors, stock, furniture, land and building and goodwill. They agreed to take D into partnership and give him one-eighth share on the following terms. That furniture will be depreciated by 920 rupees. An old customer whose account was written off as bad has promised to pay 2000 in full settlement of his full debt. That a provision of 1320 be made for outstanding repair bills. That the value of land and building having appreciated be brought up to 54910 rupees. That D will bring in 14070 as his share of goodwill in cash. That D will bring in 14700 as his capital. That after making the above adjustments, the capital accounts of old partners be adjusted on the basis of the proportion of D's capital to his share in business. That is actual cash to be paid off or brought in by old partners as the case may be. बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म अब इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली मैंशन है कि old partners की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपने एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ डी कैपिटल जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेसिस पे टू बी शेयर इन बिजनेस तो क्वेश्चन को हम करते हैं सबसे पहले हम रीवेलुएशन अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और ओपनिंग बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाने बना लेंगे उसके बाद शुरू करते हैं पहला है फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय नाइन ट्वेंटी बाय नाइन ट्वेंटी लिखा है तो अमाउंट ऑलरेडी हमें गिवन है तो डेबिट साइड पे टू फर्नीचर अकाउंट नाइन ट्वेंटी आ गया रिवेलुएशन अकाउंट में नेक्स्ट है ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज ऑफ ऑफ हैज टू पे इन फुल फुल सेटलमेंट मतलब कि एक तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है जो चीज हमारी पहले लॉस हो चुकी थी बैड हो चुकी थी उसका अब आपको प्रॉफिट हो गया वो रिकवर हो गई तो आपका टू थाउजेंड का अमाउंट हुआ है तो हमने क्रेडिट साइड पे बाय डेप्टाउंट टू थाउजेंड लिख दिया नेक्स्ट जो हमें गिवन है प्रोविजन ऑफ वन थ्री टू जीरो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स लाइबिलिटी एक तरीके से है आपकी तो डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट वन थ्री टू जीरो रिवेलुएशन अकाउंट में

में अपनी गुडविल का शेयर और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, ये गिवन है। तो बैलेंस मतलब कर तो करने के बाद प्रॉफिट शो हो रहा है और प्रोफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और उसे ट्रांसफर कर दिया हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रिवेलुएशन अकाउंट फोर जीरो एट जीरो ए का थर्टी फोर हंड्रेड बी का और C का टू जीरो फोर जीरो अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो एंट्रीज होनी है तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है एबीसी का इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बी डी ए का बी का और सी का देन उसके बाद इसके अलावा और क्या गिवन है बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व आपका गिवन है तो जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड आपका चले जाएगा ए को 4500 बी को 3750 और सी को 2250 देन इसके अलावा बैलेंस शीट में जो गिवन है दैट इज गुडविल मतलब ये एग्जिस्टिंग गुडविल है इसे आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा

गुडविल जाएगी पार्टनर्स के अकाउंट में तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है सिक्स फाइव थ्री और नए पार्टनर को आप लेके आए हो वन एट शेयर के लिए इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपकी ओल्ड रेशो है वही आपकी सेक्रीफाइजिंग रेशो है तो सिक्स फाइव थ्री की रेशो में हमने जो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में ए बी और सी के बीच में ए का अमाउंट आया सिक्स जीरो थ्री जीरो बी का फाइव जीरो टू फाइव और सी का थ्री जीरो वन फाइव देन उसके बाद जो हमें गिवन है दैट इज जो डी है वो कैपिटल लेके आया है वन फोर सेवन डबल जीरो तो उसकी एंट्री भी हम कैपिटल अकाउंट में कर देंगे बाय कैश अकाउंट डी के अकाउंट में वन फोर सेवन डबल जीरो देन दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा ए बी सी और डी के कैपिटल अकाउंट का इस बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन करेंगे ए बी और सी डी के कैपिटल अकाउंट में उसके बाद अब हमें लास्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है वो हम देख रहे हैं कैपिटल की जो एडजस्टमेंट करनी है हमें डी की कैपिटल के बेसिस पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी उनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है तो डी की कैपिटल जो वो लेके आया है वो है वन फोर सेवन डबल जीरो और वो कितने शेयर के लिए है वन बाई एट शेयर के लिए तो हम निकाल लेते हैं कैपिटल अगर वन फोर सेवन डबल जीरो के लिए जो शेयर है प्रॉफिट का वो है वन बाय एट तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की वन फोर सेवन डबल जीरो इन टू ए डिवाइड बाई वन तो वन वन सेवन सिक्स डबल जीरो टोटल कैपिटल हुई फर्म की अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ए बी सी के बीच में जो कैपिटल उनकी होनी चाहिए वो निकाल लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम डी का शेयर है वन एट्थ बैलेंस बचा वन माइनस वन बाय सेवन बाई एट सेवन बाई एट डिवाइड होगा ए बी सी में सिक्स टू फाइव थ्री की रेशो में तो हमारी न्यू प्रॉफिटी टू तो सिक्स प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू हुआ आपका सिक्सटीन तो हमने टोटल कैपिटल हमारे पास है फॉर्म की ए की कैपिटल निकालनी है तो टोटल कैपिटल ऑफ दू सिक्स बाय सिक्सटीन बी की कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू दाइव बाई सी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है दैट इज प्रॉफिटीन तो ये आपकी न्यू कैपिटल्स आ गई पार्टनर्स की अब इस न्यू कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सी डी लिख के जो उनका क्लोजिंग होना चाहिए अब दोनों साइड्स को जब हम बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ए के अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो शो हो रहा है थ्री डबल सिक्स जीरो जो डिफरेंस आ रहा है बी के अकाउंट में आ रहा है थर्टी फोर हंड्रेड और सी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा है वन थ्री टू जीरो डी की कैपिटल तो सेम रहेगी अब यहां ये जो है आपका बाइक कैश अकाउंट और टू कैश अकाउंट जो हमने लिखा है ये है डिफरेंस कैपिटल्स के बीच में जो एक्सेस और है उसका अब देखिए कैपिटल ए की कैपिटल जो ऑलरेडी बिजनेस में एक्जिस्ट कर रही थी वो कितनी थी फोर सेवन सेवन सिक्स जीरो लेकिन न्यू के अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए फोर फोर वन डबल जीरो तो मतलब उसकी एक्सेस कैपिटल बिजनेस में है तो जो एक्सेस कैपिटल है उसकी वो उसको पे कर दी जाएगी और वो कैश में आप उसे पे करोगे तो थ्री डबल सिक्स जीरो आ रही है सेम तरीके से बी की आ रही है थर्टी फोर हंड्रेड लेकिन सी के, के केस में जो कैपिटल है वो डेफिशिएट है उसकी कैपिटल बिजनेस में है टू जीरो सेवन थ्री जीरो लेकिन होनी चाहिए टू टू जीरो फाइव जीरो तो वो उतनी कैपिटल जो डिफरेंस है वो लेके आएगा तो बाय कैश अकाउंट वन थ्री टू जीरो वो लेकर आया तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट अब देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए बाकी चीजें तो हम अकाउंट से लिख देंगे और जिसमें चेंज नहीं हुआ है वो लिख देंगे पार्टनर्स पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो न्यू के हमारी कैपिटल आई है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से वही कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे अब इसमें एक चीज जो नोट करनी है आपने दैट इज कैश का अमाउंट है वो चेंज होगा क्योंकि कैश गया भी है और आया भी है जो भी जो आपके पार्टनर्स हैं जो उनकी एक्सेस कैपिटल थी या जो डेफिशिएट थी उसमें बैलेंस जो है वो चेंज हुआ है तो कैश अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा बैलेंस कितना है कैश का ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में हमें गिवन है दैट इज वन एट नाइन जीरो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट जो आपका नया पार्टनर है गुडविल जो कैश में वो लेके आया है वन फोर जीरो सेवन जीरो कैपिटल वो जो कैश में लेके आया है वन फोर सेवन डबल जीरो C की कैपिटल डेफिशिएट थी तो वो कैश लेके आया तो 2c कैपिटल 1320 ए का एक्सेस था तो उसे पे किया हमने तो बाय एज़ कैपिटल 3660 बाय बीज़ कैपिटल उसका भी एक्सेस था उसको पे किया 3400 दोनों साइड्स को आपने बैलेंस किया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का और इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे बाकी जो आइटम्स है एज़ इट इज हम शो कर देंगे जिसमें रिवेलुएशन में चेंज हुआ है उन्हें रिवाइज वैल्यू पे शो किया जाएगा और जिसमें चेंज नहीं हुआ है उसे आप एस एटस बैलेंस शीट में शो कर देंगे दोनों साइड को आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी तो ये था हमारा क्वेश्चन जब हम कैलकुलेट कर, कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल तो ये जो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वो कंप्लीट होता है और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर विद दिस दिस लेक्चर फिनिशेस थैंक यू सो मच